टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, काफी बड़ी खबर आ रही है। इंडिया के अंदर प्ले स्टोर से बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया को मिस्टीरियसली निकाल दिया गया है। जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा था उसके 15 मिनट पहले की ही बात है, और ये क्यों निकाला गया है इसके बारे में फिलहाल के लिए कुछ भी नहीं पता है। हाउएवर, जिनके फोन में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है वो इस गेम का मजा अभी भी ले सकते हैं, और एप्पल के ऐप स्टोर में दिखा रहा है। तो जो लोग आईफोन यूज कर रहे हैं उनको ऐप स्टोर में, जब तक मैं वीडियो शूट कर रहा हूं तब तक दिखा रहा था, बट प्ले स्टोर में जब आप बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया लिखेंगे वो गायब हो चुका है। अब यहां पर जब फ्री फायर इंडिया में बैन हुआ था तो उसके साथ भी पहले वैसे ही किया गया था। पहले उन्होंने प्ले स्टोर से निकाला, उसके बाद इस गेम को बैन किया। तो ये काफी बड़ी बात है कि बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया जब ये कमबैक किया था पबजी से बीजीएमआई हुआ था, ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि उसको प्ले स्टोर से निकाल दिया गया है। अब यहां पर दोस्तों ये भी हो सकता है कि काफी दिनों से मैं आपको टेक न्यूज़ में भी बता रहा हूं कि जैसे कि कुछ सेंसिटिव किस्से बाहर निकल कर आए थे ना इस गेम से, कि एक बच्चे ने अपनी मां को गोली मार दिया, किसी ने सुसाइड कर लिया, तो काफी जगहों से आवाज उठाई गई, गवर्नमेंट से जवाब मांगा कि इस गेम को अभी भी क्यों चलने दिया जा रहा है। इनफैक्ट बीच में तो पार्लियामेंट तक बात चली गई थी, वहां पर बोला गया था कि पबजी से बीजेएमआई हुआ लेकिन गेम तो वही है और युद्ध बिगड़ रही है, ऐसा बोलकर इस गेम को बैन करने के लिए बोला गया। तो क्या पता हमारी गवर्नमेंट ने शायद ऐसा फैसला ले लिया हो, पहले प्ले स्टोर से हटा दिया और आगे एक बड़ी खबर आ जाए कि इस गेम को बैन कर दिया गया। अब इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता है, मैं ज्यादा कुछ बात नहीं करूंगा, सिर्फ आपको न्यूज दे रहा हूं। अब बहुत सारे लोग इस गेम को अच्छे तरीके से भी खेलते, इससे उनकी इनकम भी होती है, कुछ लोग सही तरीके से भी खेलते। तो ये अभी सिर्फ एक खबर ही है, जो भी होगा मैं आपको जरूर अपडेट करूंगा हमेशा की तरह। वैसे आप मुझे बताइए आपकी क्या राय है इसके बारे में, नीचे कमेंट करिए और इस वीडियो को शेयर करिए, दूसरे तक भी इस न्यूज को पहुंचाइए और हमेशा की तरह लाइक करके सपोर्ट करिए। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।